तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स के अंदर एक फॉर्मूला याद करना है आपने, ध्यान से देखना क्या। सपोज करो आपके पास दो मीडियम्स हैं। अब दो मीडियम कैसे हो सकते हैं, जैसे ये एयर है ये वाटर है, तो साउंड एक वेव आई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, उसका कुछ पार्ट आगे एंटर कर गया और कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। उसका कुछ पार्ट आगे एंटर कर गया कुछ वापस आ गया। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। मीडियम ऐसा भी हो सकता है, एक रस्सी पतली है एक रस्सी मोटी है, तो रेयरर से डेंसर, ये भी हो सकता है। मीडियम ये भी हो सकता है, डेंसर टू रेयरर, कुछ भी हो सकता है। दो मीडियम्स हैं, ये वेव आ रही है इसको इंसिडेंट वेव बोलते हैं, एक्चुअल वेव है। ये वेव एंटर करती है दूसरे मीडियम में, तो इसका कुछ हिस्सा कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसमिट करती है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। जो ट्रांसमिट करती है वो ट्रांसमिटेड वेव है, जो रिफ्लेक्ट करती है वो रिफ्लेक्टेड वेव है। तो इनकी इक्वेशंस हैं, AI का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, सबके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, के भी डिफरेंट है, क्योंकि स्पीड मीडियम में डिफरेंट है, के स्पीड पे डिपेंडेंट है। तो जब इसका एम्पलीट्यूड अगर AI है, इसमें स्पीड V1 है, इसमें स्पीड V2 है वेव की, तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद करना है। डेरिवेशन हम नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया है, आती नहीं है। तो ये फॉर्मूला रिफ्लेक्टेड वेव का, ये फॉर्मूला ट्रांसमिटेड वेव का। इसमें V1 का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम 1 और V2 का मतलब है वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम 2, राइट। अब स्पेशल केस है, आता नहीं है पर फिर भी बता देता हूं कि अगर मान लो एक वेव आ रही है जिसकी वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में V1 है और सेकंड में V2 है, और V2 लेस देन V1 है, मतलब जो V2 है वहां दूसरे मीडियम में स्पीड स्लो हो जाती है, तो ऐसे केस में ये जो टर्म है नेगेटिव हो जाएगी, V2 कम है V1 से नेगेटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव, नेगेटिव का मतलब गया क्रेस्ट था वापस ट्रफ आया। हमने एसिडिटी याद कर लिया था, याद करो हमने किया था, फिक्स ट्रेंड है अगर तो क्रेस्ट जाता है ट्रफ आता है, वो प्रूफ है इसका। और ऐसे अगर V2 ग्रेटर देन V1 है, यानी कि V1 वेव आई और V2 बढ़े, V2 बढ़े का मतलब बाहर दूसरे मीडियम में स्पीड बढ़ जाती है, तो फिर ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, तो AR पॉजिटिव रहेगा। AR का मतलब पॉजिटिव का मतलब क्रेस्ट या क्रेस्ट ही वापस आएगा, ऐसा कुछ। म्यूजिकल इंटरवल्स में अगर दो फ्रिक्वेंसीज बराबर हैं तो उसको यूनिसन बोलते हैं, अगर फ्रिक्वेंसी डबल है पहले से तो उसको ऑक्टेव बोलते हैं। 9/8 है मेजर टोन है, 10/9 है माइनर टोन है, 16/15 3/2 ये टोन्स हैं, ये मुझे याद नहीं है, याद मुझे दो ही हैं सिर्फ, दो से मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट।